कैसे हैं हम सब लोग। आज का जो हमारा टॉपिक है दिस इज प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर। फिजिक्स का टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर। आज हम प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन टॉपिक में जाने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि नए वीडियो अब तक पहुँच सके। सो टॉपिक इज प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर। सो देयर आर टू प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। हम स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। टू टाइप द प्रोडक्ट होते हैं। एक स्केलर प्रोडक्ट होता है, सेकंड वन हमारे साथ कौन सा प्रोडक्ट होता है, वेक्टर प्रोडक्ट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे अबाउट द स्केलर प्रोडक्ट। कि स्केलर प्रोडक्ट किसे कहते हैं। स्केलर प्रोडक्ट इज आल्सो कॉल्ड अ डॉट प्रोडक्ट। Because अगर हम टू वेक्टर एफ वी मल्टीप्लाई, जब हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं डॉट के साथ, एफ वी मल्टीप्लाई टू वेक्टर बाय द डॉट, दो वेक्टर को जब हम डॉट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर हमारे साथ स्केलर आते हैं तो एट दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज द स्केलर प्रोडक्ट। इस टाइप ऑफ प्रोडक्ट हम नाम देते हैं कि हमारे साथ कौन सा प्रोडक्ट होता है, स्केलर प्रोडक्ट होता है। जब हम दो वेक्टर को डॉट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर हमारे साथ स्केलर आता है तो फिर इस टाइप ऑफ प्रोडक्ट को हम नाम देते हैं कि हमारे साथ स्केलर प्रोडक्ट होता है या डॉट प्रोडक्ट होता है। सो स्केलर प्रोडक्ट इज डिनोटेड बाय अ डॉट। डॉट के जरिए हम स्केलर प्रोडक्ट को डिनोट करते हैं। सो लेट्स एग्जांपल ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट। अब हमारे साथ क्या है एग्जांपल ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट। कि स्केलर प्रोडक्ट के एग्जांपल क्या है। एग्जांपल ऑफ स्केलर प्रोडक्ट अगर हम देखें तो पावर है हमारे साथ, पावर एंड वर्क दीज आर द एग्जांपल ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट। पावर और वर्क जो कि हमारे पास है ये एग्जांपल ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट है। अब अगर हम वर्क को देख लें सो वी नो दैट वर्क हमारे साथ किस चीज के बराबर होता है। वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट ऑफ डी दैट इज कॉल्ड द वर्क। सो यहां पर हम क्लियरली ड्राइव करते हैं स्केलर प्रोडक्ट के एग्जांपल हमारे साथ क्या है। एक वन फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे साथ है पावर, सेकंड वन हमारे साथ क्या है वर्क। दिस इज द एग्जांपल ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट। सो वर्क इज इक्वल टू, वर्क हमारे साथ बराबर है द प्रोडक्ट ऑफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड इज द वर्क। सो हमारे साथ किस इसके बराबर होता है, वर्क के बराबर होता है। सो पावर इज नथिंग, पावर इज इक्वल टू द रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर इज इक्वल टू द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड इज पावर। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो हम पाते हैं कि w इज इक्वल टू f डॉट d के बराबर है। सो पावर इज इक्वल टू w की जगह वर्क की जगह हम वर्क के वैल्यू पुट ऑफ करते हैं सो f डॉट d डिवाइडेड बाय t एंड वी नो दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड इज वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। सो पावर इज इक्वल टू f डॉट v इज कॉल्ड इज पावर। सो अभी हमारे साथ कौन सा प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट है। जब दो वेक्टर को हम डॉट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर हमारे साथ स्केलर आता है तो दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड इज द स्केलर प्रोडक्ट। सो f डॉट v इज आल्सो कॉल्ड इज द पावर। ये हमारे साथ एग्जांपल है, वर्क हो गया, पावर हो गया, दिस इज द एग्जांपल ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट। ये हमारे साथ एग्जांपल है स्केलर प्रोडक्ट के। सो अब स्केलर प्रोडक्ट इज नथिंग, स्केलर प्रोडक्ट जब हम लेते हैं a डॉट b इज इक्वल टू a b cos ऑफ थीटा। a डॉट b इट इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा के बराबर होता है। जब भी डॉट प्रोडक्ट को उसके साथ हमेशा के लिए हम cos थीटा लेते हैं। जब भी हमारे साथ साइन प्रोडक्ट हो उसके लिए साइन थीटा हो, उसके क्रॉस प्रोडक्ट हो उसके लिए हम कौन सा थीटा लेते हैं, साइन थीटा लेते हैं। सो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। सो इस फॉर्मूले से हमें मालूम होता है कि डॉट प्रोडक्ट डिपेंड अपॉन थ्री थिंग। डॉट प्रोडक्ट तीन चीजों पर डिपेंड करते हैं। एक तो हमारे साथ ए पर डिपेंड करते हैं, बी पर डिपेंड करते हैं एंड थीटा पर डिपेंड करता है। इन तीनों चीजों पर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं सो ए डॉट बी एट इज इक्वल टू बी डॉट ए कॉस ऑफ थीटा। सो ड्यू टू दिस फॉर्मूला इसकी वजह से हम ये भी कह सकते हैं
कि द डॉट प्रोडक्ट इज ओबे द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। डॉट प्रोडक्ट हमारे साथ कौन सी प्रॉपर्टी ओबे करते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओबे करते हैं। सो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ए डॉट बी इट इज इक्वल टू ए एंड टू बी कॉस ऑफ थीटा। ए एंड टू बी कॉस ऑफ थीटा मीन द प्रोजेक्शन ऑफ बी मींस द प्रोजेक्शन ऑफ बी द प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। x mean the projection of b on a and is tarah hum isko aise bhi likh sakte hain, so the component of b the component of b as parallel the component of b as parallel to the component of a to the component of a। is tarah bhi hum isko kya kar sakte hain, likh sakte hain a dot b is equal to a and to b cos of theta। bracket में हम इसको बंद करते हैं, and to b cos of theta, so it means the projection of b on a and it is also mean the component of b as parallel the component of a। इस तरह भी हम इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। cos dot product के साथ हमेशा के लिए कौन सा product आता है? cos theta हमेशा dot product के साथ आता है। सब हम ये डिस्कस करेंगे कि जब हम दो डॉट के साथ द सेम वेक्टर के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है। अगर हम देखें आई जे के सिस्टम देखें आई जे के सिस्टम में अगर हम देखें तो एक्स एक्सिस के साथ हमेशा के लिए एक्स एक्सिस के साथ हमेशा हम क्या लेते हैं, आई कैप लेते हैं। आई कैप एक्स एक्सिस के साथ हम लेते हैं, जे कैप हमेशा के लिए हम ले लेते हैं वाई एक्सिस के साथ। वाई जे के हमेशा के लिए हम किस चीज के साथ लिखते हैं, जे के हमेशा के लिए हम लिखते हैं वाई एक्सिस के साथ एंड जेड जेड के साथ हमेशा के लिए हम लिखते हैं के के। सो दिस इज कॉल्ड द आई जे के सिस्टम। एक्स एक्सिस के साथ हम लिखते हैं आई के, वाई एक्सिस के साथ हम लिखते हैं जे के, जेड एक्सिस के साथ हम लेते हैं के के। इस तरह हम अब यहां पर हम ये डिस्कस करेंगे, सो द डॉट प्रोडक्ट इटसेल्फ dot product itself gives us 1 mean जब हम दो i cap and i cap को आपस में multiply करते हैं तो answer हमारे साथ क्या आता है, 1 आता है। example i cap and to cos थीटा जीरो। जब हम जो सेम के लेते हैं तो cos थीटा इज इक्वल टू जीरो। जब cos थीटा जीरो होता है cos थीटा वी नो दैट cos थीटा जीरो इज इक्वल टू 1, सो इट इज इक्वल टू i dot k इट इज इक्वल टू 1 एंड टू 1। ये मतलब किस चीज के बराबर होता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, सो आंसर इज इक्वल टू 1। सो डॉट प्रोडक्ट इटसेल्फ गिव्स अस 1। अब हम ये देखते हैं कि डॉट प्रोडक्ट एट डिफरेंट गिव्स अस जीरो। डॉट प्रोडक्ट एट डिफरेंट गिव्स अस जीरो। एग्जांपल आई के डॉट jk into cos theta 90। और हमें पता है cos theta 90 किस चीज के बराबर होते हैं, जीरो के बराबर होते हैं। सो इट इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई डॉट 1 डॉट 0। सो जब हम किसी भी चीज को जीरो के साथ जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आंसर हमारे साथ आता है 0। सो द डॉट प्रोडक्ट एट डिफरेंट गिव्स अस 0 बट द डॉट प्रोडक्ट इटसेल्फ गिव्स अस 1। डॉट प्रोडक्ट को जब हम डिफरेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, डिफरेंट मीन आई के जे के को जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसके साथ ही हम 90 देते हैं। आपको पता भी है कि cos थीटा 90 बराबर होता है 0 के बराबर होता है, सो आंसर इज इक्वल टू 0 आएगा, क्योंकि जब हम 1 1 मल्टीप्लाई बाय 0 करते हैं तो आंसर हमारे साथ क्या चीज आता है, 0 आता है। डॉट प्रोडक्ट इटसेल्फ गिव्स अस 1 आता है। Q
क्यों आता है? क्योंकि उसके साथ cos theta 0 होता है, और आप लोगों को पता है कि cos theta 0 बराबर होते हैं 1 के साथ। जब हम 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर भी हमारे साथ क्या आता है, 1 आता है। सो द डॉट प्रोडक्ट इटसेल्फ गिव्स अस 1, बट द डॉट प्रोडक्ट इट डेफिनेटली गिव्स अस 0। अब यहां पर हम एक एमसीक्यूज भी करते हैं कि ताकि आपको सही समझ आ जाए एमसीक्यू से कि डॉट प्रोडक्ट हम कहां पर इस्तेमाल करते हैं और थीटा हम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। ड्यू टू डॉट प्रोडक्ट के जरिए हम थीटा किस तरह फाइंड आउट करते हैं। सर आपको अगर आपको कि ये क्वेश्चन दे दे कि लेट ए इज इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप एंड बी इज इक्वल टू 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप, ये आपको की दी है एंड थीटा इज फाइंड। और थीटा हमारे साथ क्या है, अननोन है, कि थीटा हमारे साथ क्या कर ले फाइंड आउट करते। और आपको पता भी है कि a डॉट b इज इक्वल टू a बिकॉज ऑफ थीटा के बराबर होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसने इसको लिखना है एंड कंपोनेंट फॉर्म में आपने इसको लिखना है। सो कंपोनेंट फॉर्म में किस तरह से ax एंड टू b ऑफ x प्लस ay एंड टू b ऑफ y प्लस az एंड टू b ऑफ z, इसके फॉर्म में इसे क्या करना है, लिखना है इन द फॉर्म ऑफ कंपोनेंट। अब अगर आपको पता भी है कि मैग्नीट्यूड इज फाइंड बाय द पाइथागोरस थ्योरम, मैग्नीट्यूड को हम फाइंड आउट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम की, जब हम सो क्या कर रहे थे मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करते हैं। सो मैग्नीट्यूड इज फाइंड बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। अब अगर हम इसमें देख लें तो ये हमारा क्या हो गया इन द कंपोनेंट फॉर्म, ये हमारा कंपोनेंट फॉर्म में हो गया। अब हम इसका सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करते हैं। सो थीटा इस फार्मूले के जरिए फाइंड आउट करते हैं, थीटा इज इक्वल टू ax bx plus ay by plus az and bz divided by a and b, a b divided by a b, इसके जरिए हम क्या कर लेते हैं थीटा फाइंड आउट करते हैं। किस तरह फाइंड आउट करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं। सो अगर हम देखें सो ax is equal to ax का होल स्क्वायर प्लस bx का होल स्क्वायर होल अंडर द रूट। अगर हम ax देख लें ax दैट इज इक्वल टू 2 का होल स्क्वायर प्लस बी ऑफ एक्स अगर हम देख लें सो दीज आर इक्वल टू 2 स्क्वायर होल अंडर द रूट। सो दैट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 टू 2 आर 4 होल स्क्वायर है प्लस 2 2 आर 4 होल अंडर द रूट। सो दैट इज इक्वल टू 8 होल अंडर द रूट के बराबर होता है। सो ये हमने किस चीज का फाइंड आउट किया, ए एक्स ए का फाइंड आउट कर दिया। अब हम बी का फाइंड आउट करते हैं। सो दैट इज इक्वल टू बी एक्स का होल ऑफ स्क्वायर प्लस बी वाई होल स्क्वायर होल अंडर द रूट। अब हम ये देखते हैं bx हमारे साथ कितना है, bfx is equal to bx into by whole square कितना है 2 का होल स्क्वायर प्लस into minus of 2 का होल स्क्वायर होल अंडर द रूट। सो दिस इज इक्वल टू 4 प्लस ऑफ 4 होल अंडर द रूट, दैट इज इक्वल टू 8 होल अंडर द रूट। अभी हमने क्या कर दिया मैग्नीट्यूड को क्या कर दिया फाइंड आउट कर दिया। सो अब इसमें हम ab तो हमने फाइंड आउट कर दिया, दिस इज द ab a एंड दिस इज द b। अब हमने इस कंपोनेंट फॉर्म को फाइंड आउट कर लिया, इसमें हमने लिखना है सो वी नो दैट थीटा इज इक्वल टू ax bx प्लस ay एंड टू by प्लस ऑफ az एंड टू bz डिवाइडेड बाय a एंड टू b एंड थीटा इज इक्वल टू, और हमें पता है ax हमारे साथ कितना है, ax दैट इज इक्वल टू 2, bx हमारे साथ कितना है इट इज आल्सो इक्वल टू 2 प्लस ay हमारे साथ कितना है 2 है एंड by हमारे साथ कितना है माइनस 2 प्लस az 0 है एंड bz इट इज आल्सो इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय ab हमने फाइंड आउट कर दिया 8 एंड 8 अंडर द रूट। सो इट इज इक्वल टू 8 अंडर द रूट एंड 8 अंडर द रूट। यहां पर एक लिख लिया so theta is equal to 2 multiply by 2 plus 2 multiply by minus 2 क्योंकि z z तो हमारे साथ क्या है 0 है so divided by 8 under the root divided by 8 under the root so theta is equal to 2 2 जा 4 4 आता है plus n to minus minus 2 2 जा 4 minus 4 divided by 8 under the root 8 under the root so theta is equal to 4 minus 4 cancel out answer is 0 divided by 8 under the root 8 under the root। और आपको पता है something divided by 0 the answer is 0
किसी भी चीज को जब हम जीरो से डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारे साथ क्या आता है, जीरो आता है। सो और आपको ये भी पता है कि cos थीटा जीरो के से इसके बराबर होता है 90 के बराबर होता है। सो cos जीरो दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो थीटा को हमने क्या कर दिया, फाइंड आउट कर दिया। सो इस फार्मूले के जरिए आप लोग क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल एंड एमसीक्यूज भी हल कर सकते हैं। सो डॉट प्रोडक्ट हमने डिस्कस कर दिया। डॉट प्रोडक्ट किसे कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट इज अ स्केलर प्रोडक्ट। जब दो वेक्टर को आप डॉट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर हमारे साथ क्या चीज आता है, स्केलर आता है। तो फिर दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड इज द स्केलर प्रोडक्ट। तो इस टाइप ऑफ प्रोडक्ट हम नाम दे देंगे हमारे साथ कौन सा प्रोडक्ट होता है, स्केलर प्रोडक्ट होता है। और डॉट प्रोडक्ट में हमेशा के लिए हम कौन सा थीटा लेते हैं, cos थीटा। डॉट प्रोडक्ट में हमेशा के लिए हम cos थीटा लेते हैं। और इंपॉर्टेंट ये है कि डॉट प्रोडक्ट इटसेल्फ, जब डॉट प्रोडक्ट इटसेल्फ i डॉट i के जब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारे साथ क्या चीज आता है, 1 आता है। बट द डॉट प्रोडक्ट एट डिफरेंट गिव्स अस 0। सो डॉट प्रोडक्ट एट डिफरेंट हमारे साथ क्या देता है, 0 देता है। सो डियर स्टूडेंट, ये हमारे साथ इंट अबाउट द डॉट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का फैक्टर डॉट प्रोडक्ट हमने पढ़ लिया। सो डियर स्टूडेंट, अगर आप लोगों को किसी भी पॉइंट की समझ नहीं आई हो तो प्लीज इसे कमेंट सेक्शन में लिख दें। सो दैट इज द एंड ऑफ आवर टॉपिक नेम इज डॉट प्रोडक्ट। सो इंशाल्लाह वी विल डिस्कस यू स्केलर प्रोडक्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। सो प्लीज अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि नए वीडियो आप तक पहुंच सके। सो थैंक यू।